चरित्र के साथ ज्ञान बढ़ाने का काम करे तो मुंगेर विश्वविद्यालय देश के विश्वविद्यालयों में नंबर एक स्थान पर रहेगा। उपरोक्त बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उन्होंने बिहार के विकास के साथ बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए बालिका शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का विस्तार से चर्चा की और जनता से अपील की कि वे अपने बेटे और बेटियों को अवश्य पढ़ाएं। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, ग्रामीण कार्य मंत्री कुमार, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने की, जबकि अतिथियों का स्वागत मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति रंजीत कुमार वर्मा, प्रति कुलपति कुसुम कुमारी ने पुष्प गुच्छ अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया। कुलपति रंजीत कुमार वर्मा ने विश्वविद्यालय की रूपरेखा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए नए कैंपस के निर्माण के लिए सरकार से सहयोग की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में जमीन उपलब्ध कराने और भवन निर्माण में पूरा सहयोग करने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुंगेर को मीर कासिम की राजधानी, श्री बापू की कर्मभूमि, आईटीसी और योग विद्यालय की धरती बताते हुए कहा कि मुंगेर विश्वविद्यालय ऐसा काम करेगा कि इसका नाम विश्व में जाना जाएगा। सनमार्ग के लिए मुंगेर से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।